इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कानपुर देहात में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने एसडीएम को फटकार लगाई है। एसडीएम की क्लास लगाते हुए उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। जनता दरबार में शिकायतें सुनने पहुंचे थे मंत्री राकेश सचान और काम में लापरवाही बरतने पर एसडीएम और तहसील प्रशासन को फटकार लगाई गई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। जनता दरबार में शिकायतें सुनने पहुंचे थे मंत्री राकेश सचान, काम में लापरवाही बरतने पर एसडीएम और तहसील प्रशासन को फटकार लगाई गई। बता दें कि कानपुर देहात में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने एसडीएम को फटकार लगाई। एसडीएम की क्लास लगाते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। जनता दरबार में शिकायतें सुनने के लिए मंत्री राकेश पहुंचे थे और काम में लापरवाही मिलने पर एसडीएम और तहसील प्रशासन को जमकर फटकार लगाई गई। कानपुर देहात में जनता दरबार में शिकायतें सुनने पहुंचे थे मंत्री, उसी बीच काम में लापरवाही मिली। लापरवाही बरतने पर एसडीएम प्रशासन को गुहार लगाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनने पहुंचे थे, जहां लापरवाही को देखते हुए एसडीएम और प्रशासन को फटकार लगाई गई। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, किस तरह की लापरवाही यहाँ देखने को मिली? देखिए, आपको बता दूं कि लगातार जो है केंद्र मंत्री राकेश सचान पुखराया और जनपद के तमाम जगहों पर समय अनुसार जो है जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, समस्याओं का सही समय पर निस्तारण हो सके इसके लिए संबंधित अधिकारी को मौके पर निर्देशित करते हैं कि इस पूरे मामले को त्वरित निष्पक्ष तरीके से जांच कर कार्रवाई की जाए। लेकिन जनता से जुड़े तमाम ऐसे मामले थे जो भोगनीपुर एसडीएम नीलिमा यादव उनके द्वारा उनका निस्तारण नहीं किया जा रहा था, जिस पर लगातार जो है नाराज दिखाई दिए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, और उन्होंने इसी नाराजगी के दरमियान जो है एसडीएम सहित तमाम प्रशासनिक अमला जो मौके पर मौजूद था उन सभी को फटकार लगाई है, क्योंकि लगातार वह जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं और सरकार जनता के लिए है। और इस बीच अगर जनता की समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा, और इसी पर वो सख्त नजर आए। इससे पहले भी आपको बता दें, मेहता जो एसडीएम थे बलवंत हत्याकांड के मामले में अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने भी उन पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए फटकार लगाए थे। तो तमाम अगर कहा जाए कानपुर देहात का जो प्रशासनिक अमला है जिसके लिए वो तैनात किया गया कि आम जनता की समस्याओं को सुने और उसको निस्तारण करे, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें उस बात को दर्शा रही है कि कैबिनेट मंत्री के कहने के बावजूद जो है कानपुर देहात का प्रशासनिक अमला लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करता है। जी जी गौरव, क्या किसी तरह का एक्शन लिया गया है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से सख्ती जो है कैबिनेट मंत्री ने दिखाई है कहीं ना कहीं वही काफी थी, और उन्होंने एक निश्चित समय भी दिया है कि अगर इस निश्चित समय में कार्रवाई नहीं हुई तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी शिकायत करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो भोगनीपुर एसडीएम है नीलिमा यादव उनकी जो है मुश्किलें भी बढ़ सकती है। जी जी गौरव, इस तरह की लापरवाही कब से बढ़ती जा रही थी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि लगातार इस तरीके के मामले सामने आते हैं, और जब पानी सबसे ज्यादा ऊपर चल जाता है तभी इस तरीके की तस्वीरें नजर आती हैं कि एक जो है जनप्रतिनिधि जो है प्रशासनिक अमले को फटकार लगाता है। कई बार तो यही होता है कि फोन से वार्ता करके लोगों की समस्याओं को हल कराया जाता है, जब मौके पर जनता दरबार लगा होता है उस दरमियान निर्देशित किया जाता है कि इसको देखिए और इस पूरे मामले की तह तक जाइए, किसी भी निर्दोष को फंसाया जाए लेकिन पीड़ित की समस्या का हल भी हो। जब इस तरीके की तस्वीरें नहीं होती दिखाई देती है, उन समस्याओं का हल नहीं होता है, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा एक्शन होता है, जिस तरीके का प्रमाण इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, किस तरह की समस्याएं लोग यहाँ जनता दरबार में लेकर पहुंचे थे? देखिए, तमाम वो समस्याएं होती हैं, चाहे वह जमीन से जुड़े मामले हो कि प्रशासनिक अमला उनकी पैमाइश न करा रहा हो, या दबंगों के द्वारा जमीन पर कब्जा किया गया हो, या मामूली मारपीट कहा सुनी की बात, तमाम ऐसे मामले होते हैं जो जमीन से जुड़े होते हैं, लोगों की समस्याओं से जुड़े होते हैं। जी बिल्कुल, कितनी समस्याओं का निस्तारण किया गया गौरव? देखिए, बता दूं कि जिस तरीके से वहाँ पीड़ित आते हैं, कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिनका मौके पर भी निस्तारण होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पीड़ित और जो सामने वाली पार्टी होती है वो दोनों ही मौके पर मौजूद होती हैं। कैबिनेट मंत्री है या प्रशासनिक अमले के द्वारा अगर दोनों पक्ष मानने को तैयार होते हैं मौके पर, तो उनका निस्तारण मौके पर किया जाता है, अन्यथा की स्थिति में अगर किसी संबंधित जांच अधिकारी पूरे मामले की तफ्तीश करता है और तफ्तीश करने में जो चीजें निकल कर आती है उस तरीके से पीड़ित को न्याय और दबंग के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जी जी चलिए गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।